What's up guys? Finally, Master जी जो एंग्री हुए थे 13 पार्ट में 14 में भी आ गए हैं। अब कितने ज्यादा एंग्री हैं देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। 13 के बाद तभी से डिमांड हो रही भाई 14 पे भी जल्दी रिएक्शन लेकर तो लेके आ गए आप लोगों के लिए दोस्तों। और 15 पे हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ढिंडोरा की आई एम श्योर एक या डेढ़ महीने के अंदर आने वाली है, लिखा था स्टेटस पे कमिंग सून। मजा आ जाएगा जब वो वीडियो आ जाएगी। तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एंग्री मास्टर जी, बीबी के वंश भाई, भुवन भाई कुछ भी कमेंट करते हैं लेकिन ओपी जरूर लिख देना साथ में। ये जो सीरीज है ना, जो एक जो किरदार निभाना, अलग अलग किरदार निभाना, उनके कैरेक्टर की तरह बोलना, मास्टर को कितना फ्रस्ट्रेट रहता है, देखते आज क्या होता है दोस्तों। तो साथ में वीडियो एंजॉय करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर देते हो यार। तो 1 2 3 गो। अरे आ गए, आइए आइए आइए, आओ बेटा आओ आओ। आपको कोई देखा है? रेड लाइट एरिया आए हो? What? अरे सर मेरे साथ आ चुका है ना पहले, च को ह बोलता है, स को फ। हाँ हाँ हाँ, ये वही है ना जिसको तुम एक बार चाचा बना के लाए थे। मैं भूला नहीं हूँ। भूलने लायक हूँ भी नहीं। हो कॉन्फिडेंस। अरे सर बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है, आज वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बोला था ना जापानी तेल पे बहुत फर्क पड़ता है। क्या जापानी तेल, मैं इस चेक की बात कर रहा हूँ। सैलरी का चेक है सर, टीचर्स डे का बोनस है। भाभी वाह, कितना है? तुम कौन हो? मेरी बीवी। क्यों, उनके भी दांत बाहर हैं? सर ये तो बड़ी खुशी की बात है, अध्यापकों की सैलरी तो वैसी बहुत कम होती है, ये स्कूल द्वारा बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। कुछ टीचर तो ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं ज्यादा कमाई के लिए। समझदार हैं, उनको पता है स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आता। मत पढ़ो, उनका भविष्य खतरे में। मैंने ना जाने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। वही लोग इधर बस स्टॉप के बगल में गांजा फूंक रहे होते हैं। अरे कौन क्या करता है उससे हमें क्या। सर इतना बड़ा दिन है, बोनस आया है, मुंह मीठा नहीं कराएंगे? अरे बिल्कुल करवाएंगे। आ गया। हेलो, सबके लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। मैं ठंडे खाऊंगा। फिर कुल्फी खा लो, आगू खा लो। समीर से बात करो, ठंडे गुलाब जामुन खाने मुझे। समीर ऐसे बात, ठंडे गुलाब जामुन खाने मुझे, ठंडे गुलाब जामुन खाने मुझे। और एक बात बताओ, ये सैलरी क्यों लेते हो? पिछले 2-3 दिन से मुझे दूध पीने की इच्छा हो रही है, तुम गायब हो, आए नहीं, क्यों? ओह बीवी की तबियत खराब थी। अच्छा तो भैंस का ले आते। अरे बीवी की तबियत खराब थी इसलिए स्कूल नहीं आया। चुप करना, क्या बात करता है सर, मुझे इसके भविष्य की टेंशन हो रही है। अब हो रही है, मुझे तो पहले दिन से यकीन हो गया था कि ये गोलगप्पे की रेडी लगाएगा। इनफे तो वादा ही कमा लेगा। हाँ बिल्कुल कमा लोगे। पहले गोलगप्पों में छेद करना, फिर उसको पानी में मिलाना, फिर सॉल्ट और चटनी डाल के लोगों को परोसना। आप कहाँ मुँह में थूक जमा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर उनको तीखा पानी पिलाना, और जब ज्यादा मिर्ची लगे तो वो सूखी पापड़ी खिला देना। इन्हीं को रख लियो काम पे, ट्रेंड लग रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, और इतना निकम्मा है इसको ये भी नहीं पता होगा कि मिर्ची कहाँ लगती है। गांड में। अरे खेतों में लगती। आपकी एक ही औलाद है? हाँ यही है। क्यों नहीं, कहते हैं दो औलादें होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी वाली हमेशा निकम्मी निकलती है। आपका छोटा भाई कहाँ है? चुप करो पापा। सर मुझे कोई टेंशन वाला काम करना ही है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि लोग मेहनत करें और मुझे पैसे मिले। ओ भाई, तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये डायलॉग बहुत चलता है वाला। मेहनत नहीं करनी, बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, नॉवेल्स पढ़ के भी तो नॉलेज बढ़ सकती है ना। अच्छा कौन सी पढ़ी है? चेतन भगत। इसलिए तो दिमाग का विकसित होना जरूरी है। और तुमने कौन सी पढ़ी है? 50 Shades of Grey। उसमें क्या होता है? BDSM। BDSM मतलब बांध के डालो, सोचो मत। क्या पूरी जनरेशन का दिमाग उल्टी सीधी चीजों में लगा हुआ है? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक सर्वे के हिसाब से 60% बच्चे गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी हैं। एक सर्वे के हिसाब से 70% बच्चे बिना चीटिंग के पास नहीं हो सकते। एक सर्वे के हिसाब से 90% बच्चे भटके हुए हैं। एक भड़वे के हिसाब से तब से एक ही बात पे अटके हुए हैं। अरे बहुत बदतमीज हो यार। सर जाने दीजिए। नहीं एक सेकंड, तुमने क्या पढ़ाया आज तक? बायोलॉजी ऑनर। अच्छा हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा है? गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद। देखिए एक ही जगह दिमाग लगा हुआ आजकल। There are 3 type of muscles in human body. ओ भाई। Cardiac, smooth and skeletal. Cardiac muscle makes up the wall of the heart and is responsible for the forceful contraction of the heart. Smooth muscle makes up the wall of the intestine, the uterus, blood vessels and internal muscles of the eye. Skeletal muscles are joined to the bones and in some areas the skin. Smooth muscles make up the wall of the intestine, the uterus, blood vessels and the internal muscles. Contraction of the skeletal muscles help limbs and other body parts move. There are 5 strongest muscles in the human body. External muscles of the eye, gluteus maximus, heart, masseter, muscles of the uterus, folios and the tongue. कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ हाँ, टंग भी है। उसी से तो प्रिंसिपल के हार्ट हार्ट के हैक मिला है। What? चार्ट चार्ट के चेक मिला है।
अपनी मेहनत से बोनस मिला है मुझे। तुम्हें पता है मैंने कहां कहां बैठकर मेहनत करी है? घुटनों पे। बेटा तुम अपनी संगत ठीक कर लो। बेटा सुन लो वो क्या कह रहे हैं। सर आप बोलिए प्लीज। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। जो तुमसे उम्र में बड़ी है उसको माँ समझो, जो तुम्हारे साथ की है उसको बहन समझो, जो उम्र में छोटी है उसको छोटी बहन समझो। तो फिर नुनू किस काम का कैलेंडर लटका ले? तुम अपना मुंह बंद रखो यार, नहीं तो इनको दे दे हल्दी कूट लेंगे। अरे किसका लड़का है ये? मेरे ग्रैंडफादर का। सर मुझे तो चेक दिखाइए संभाल के। कोशिश कर रहा था कि आज मूड खराब ना हो, लेकिन कोई ना कोई आके कर ही देता है। सॉरी सर, आप घर जाके पार्टी कीजिए। सर एक्टिंग करूंगा, बॉलीवुड में जाऊंगा तो इतने पैसे तो कमा ही लूंगा ना। ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो जा, बहुत स्कोप है। उसके लिए एक्टिंग आनी चाहिए। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। अच्छा जरा हम भी तो देखें तुम्हारी एक्टिंग के जलवे। आप शुरू करो। ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों इसी फुटपाथ से उठे थे। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बोनस का चेक है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे क्या? मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर हैं। नो यस, यही चाहिए था। उस दिन बबली सर के बोनस चेक और गांड फटने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। चेक तो वापस इशू हो गया, लेकिन मैंने कसम खा ली कि इस आदमी को दोबारा स्कूल लेकर नहीं आऊंगा। ये खतरनाक आदमी है ये भाई, ये समीर ना बहुत खतरनाक है, बहुत दबंग आदमी है, कहीं भी कुछ भी कह देता है, मतलब कि मुंह फट आदमी है। ग्रैंड फादर का लड़का हूँ मैं भाई साहब, ना डरते किसी से भी। वो अच्छा था ना, कहता भैंस नहीं बीवी की तबीयत खराब थी, कहता तो भैंस का, भैंस का दूध ले आता भाई साहब। कितनी डबल मीनिंग बातें दो तो। वाह आपका छोटा भाई का इसने बोला ना बड़ा नालायक, बड़ा नालायक होता तो टीचर को नालायक बता रहे छोटा भाई की ये तो नालायक है। वो फाड़ दिया और जब बोलती बंद करी लगातार, बताओ है ना, बोल बोल के पढ़ा दिखा दे बायोलॉजी को। नहीं पता था भाई साहब, टैलेंट पूरा है। और वो कह रहे समझ नहीं आया कुछ भी, लेकिन सुन के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। एक बार को तो वैसे देख रहा था यार मेरा ही दोस्त है यार नुनू, अगर नुनू पे कैलेंडर लटका ले, कैलेंडर लटका ले, जब क्या बोलते छोटी बहन, वो उम्र से छोटी लड़की को छोटी बहन, साथ वाली को बहन और उम्र से बड़ी वाली को माँ। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सीख मिली वीडियो से और मजेदार वीडियो थी। और चेक फाड़ दिया गया, लेकिन वो तो इशू हो गया, लेकिन उस टाइम पे तो झटका लगता है, झटका लगता है। और जो एक एक चीज ना, जैसे जो एक्टिंग करी, वो जो जो मिमिक्री करी ना अमिताभ बच्चन की, हैट्स ऑफ टू भुवन भाई यार, बहुत गजब थी। और अमिताभ भाई बंगला है मेरे, ये है मेरे पास चेक है, तुम्हारे पास क्या है? वो था। और एक वो वाला अभी अच्छा था कि फिर वो क्या बोलते, जब मिर्ची लगेगी तो सूखी पापड़ी के अंदर चटनी डाल के खिला दोगे। ट्रेंड लगते हैं तो इन्हीं को ही रख लेंगे। स्क्रिप्ट बहुत गजब लिखी, बहुत गजब, बहुत ही मस्त। और समीर ने तो चार चांद लगा दिया आगे। और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो बीबी की वाइंस की, भाई कमेंट जरूर कर देना। और अलग से भी आप वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। और भाई जो युवराज सिंह की हमने जो वीडियो डाली है उस 6 छक्के वाली, भाई प्लीज उसको देखना जरूर है। उस वीडियो को बहुत प्यार देना, बहुत गजब है ना। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।